हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? तो आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे ब्लॉग पे मॉम एंड श्रव्या। तो आप लोग कैसे हो ये कमेंट करके बताना। हम लोग जो है काफ़ी अच्छे हैं और ठीक ठाक है। हम बेंगलोर की गलियों में फिर से जा रहे हैं। इस बार जो है ना हम कोई अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं, तो चलो आप भी हमारे साथ में दिखाती हूँ कि बेंगलोर का अपार्टमेंट कैसा होता है। तो फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं गोदरेज स्प्लेंडर का फ्लैट देखने के लिए। मैं आपको बता दूं ये कहां पर है। हम जो रहते हैं व्हाइटफील्ड में रहते हैं, तो व्हाइटफील्ड से आपको एपिक जोन, व्हाइटफील्ड से आपको हो फॉर्म सिग्नल का रास्ता लेना है, वहां से आपको कॉडीगुडी फ्लाई ओवर जाना है। बिलंडू रोड में 1.8 किलोमीटर अंदर है ये। तो ये जो है आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ 1.8 किलोमीटर आप मेन रोड से अंदर आओगे तो फिर आपको गोदरेज स्प्लेंडर का यहाँ पे ऑफिस दिखेगा। तो यहाँ पे जो है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 BHK और 3 BHK फेज 1 का दिखाया है, और इस वीडियो में मैं फेज 2 का 2 BHK और 3 BHK यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो ये है गोदरेज स्प्लेंडर। हम जो है नो ब्रोकर के थ्रू गए थे, तो उन्होंने हमें सबसे पहले आउटलुक दिखाया कि ये मॉडल फ्लैट दिखाया कैसा दिखता है। चलिए आइए हम भी देख लेते हैं कि आखिर वो कैसा है। जब आप इस ऑफिस के अंदर इंटर करेंगे तो आपको जो है बहुत ही बड़े कैटलॉग में जो है आपको मॉडल फ्लैट दिखाया जाएगा। तो ये जो है यहाँ का मॉडल फ्लैट है, फेज 1 है और फेज 2 है। फेज 1 मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मैं फेज 2 बताने वाली हूँ कि यहाँ का जो है सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ग्रीनी एरिया बहुत ज़्यादा है और आपका यहाँ पार्किंग एरिया जो है पूरा अवेलेबल है। मतलब ये कि पूरा 3 फ्लोर तक यहाँ जो है पार्किंग एरिया है। 3 फ्लोर के बाद फिर रेसिडेंस बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ है। प्लस यहाँ पे आउट साइड में जो है बच्चों का स्विमिंग पूल है एंड बड़ों का स्विमिंग पूल दिया गया है। उसी क्लब हाउस में जो है ऊपर आपका पूरा जिम एरिया है और खेलने के बच्चों के लिए सारे चीज़ें हैं, जैसे टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्नूकर हो गया। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पे जो है ये स्विमिंग पूल बनना स्टार्ट हो गया है, ऊपर में जिम बनना स्टार्ट हो गया है। हम अंदर चलते हैं फेज 2 का। हम जो है 3 BHK देख लेते हैं मॉडल फ्लैट की यहाँ पर कैसा दिखाया जा रहा है। तो ये अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टाइम लगेगा, इन्हें 2 साल शायद लगेगा बनने में। तो हम जो है मॉडल फ्लैट देखने जा रहे हैं 3 BHK का। 3 BHK में आप जानते हो कि 3 बेडरूम होता है, 3 यहाँ वॉशरूम दिखाया गया है, 1 हॉल किचन और आपका बालकनी रहता है। तो हम यहाँ पर जो है इंटर कर चुके हैं। ये इनका जो है हॉल है और उधर जो डाइनिंग टेबल डाइनिंग एरिया है और फिर इधर जो है किचन भी है। तो आप ये हॉल देख लो, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पे जो बालकनी है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा बालकनी है। तो यहाँ पे जो है 3 BHK में जो हॉल है उसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। ये किचन रूम है, आप किचन रूम भी देखो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। प्लस यहाँ पे यूटिलिटी भी दिया गया है और यूटिलिटी एरिया भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो है 3 BHK का हॉल हो गया और उधर बालकनी हो गया और यहाँ पे किचन रूम हो गया। हम जो है स्ट्रेट जाएंगे तो हमें जो है यहाँ पे कॉमन वॉशरूम नज़र आएगा। ये कॉमन वॉशरूम है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो एक बेडरूम नज़र आता है। ये जो है बेडरूम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेडरूम था। तो यहाँ पे जो है ये बच्चों लोगों के लिए इस तरह से इन्होंने डेकोरेट करके रखा था कि ये बच्चों का रूम है। और यहाँ पे स्टडी टेबल भी बना के रखा हुआ था। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे भी इंटीरियर कराना है आप वैसा करा सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको बाहर में बड़ा सा क्लासेस है विंडो नज़र आएगा। प्लस यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार रैक या फिर जैसा भी इंटीरियर कराना है आप वैसा करा सकते हो। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ये कॉमन लेट बाथ है जो मैंने आपको दिखाया। फिर ये आपका आता है सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे ग्लासेस और विंडो था, बहुत ही अच्छा विंडो था। प्लस इस सेकेंड बेडरूम में जो है ना अटैच आपका लेट बाथ दिया गया है। यहाँ पे अटैच लेट बाथ है सेकेंड बेडरूम का और यहाँ पे कवर्ड बना हुआ है और ये जो है बेड है। तो आप आराम से किंग साइज बेड रख सकते हो। और ये जो है ये थर्ड है, तीसरा ये मास्टर बेडरूम है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा स्पेस था और इसी में जो है अटैच लेट बाथ है। तो यहाँ पे आपको जैसे इंटीरियर कराना है, जैसा भी कबर्ड बनाना है आप आराम से बना सकते हो और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस मास्टर बेडरूम में। प्लस अटैच लाइट बाथ है, प्लस क्लासी सा विंडो है जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था यहाँ पे। तो ये सारे जो है
अभी अंडर वर्क है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये हमें मॉडल फ्लैट दिखाया गया है कि इस तरह से फ्लैट यहाँ पे बनाया जाएगा जो आपको बाद में मिलेगा। और ये इस रूम का जो है मास्टर बेडरूम का अटैच लेट बाथ है। तो ये हमारा हो गया 3 BHK फेज 2 का। तो अब हम आगे जाएंगे और फिर आगे जाने के बाद सेकंड हम देखेंगे कि यहाँ का जो है 2 BHK कैसा रहता है। तो ये अभी हम जो है यहाँ 3 BHK से निकल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पेस है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा, रिजनेबल प्राइस पे है। आपको अगर प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम 2 BHK देख लेते हैं गोदरेज स्प्लेंडर का। तो यहाँ का 2 BHK हम जैसे इंटर किए, ये यहाँ पे का हॉल है। हॉल में भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस था जैसा आप देख रहे हो, प्लस यहाँ पे आराम से आप डाइनिंग टेबल रख सकते हो। और बालकनी एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा और काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। यहाँ पे एक कवर बना हुआ है, ये कवर जो है स्टोरेज टाइप का दिया हुआ है, मतलब आप शूज वगैरह रख सकते हो या फिर जो भी रखना है आप रख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ के लिए। प्लस बालकनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है आप देखो, और आपको बाहर का लुक जो है ना पूरा ग्रीनरी नज़र आएगा, क्योंकि बाहर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं हुआ है। कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं हुआ है मतलब सनलाइट डायरेक्ट आपके घर में आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि और जगह आप देखोगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग हो जाते हैं तो सनलाइट जो है घर में नहीं आ पाते हैं। और ये है इसका बेडरूम। ये बेडरूम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हो गया है। प्लस यहाँ पर जो है एक ग्लासी सा विंडो है जो कि बहुत ही बड़ा विंडो था। इधर आप जो है साइड में आप कवर बना सकते हैं, कवर यहाँ पे बना हुआ था। तो चलो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे जो है ये जो है लेट बाथ बना हुआ है, ये कॉमन लेट बाथ दिया गया है। और ये जो है आपका मास्टर बेडरूम है, ये यहाँ का लास्ट बेडरूम है, क्योंकि 2 BHK था तो 2 BHK में जो है 2 बेडरूम ही रहता है। यहाँ पे जो है कबर्ड बना हुआ है, प्लस TV रखा हुआ है, और इस मास्टर बेडरूम में ही जो है ना अटैच लेट बाथ दिया गया है। प्लस यहाँ पे बड़ा सा ग्लासेस का विंडो आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सनलाइट डायरेक्ट जो है पूरा रूम में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है यहाँ का मॉडल फ्लैट है, ये 2 BHK का फ्लैट है। प्लस ये जो है फेज 2 गोदरेज स्प्लेंडर का फ्लैट है, ठीक है। तो ये यहाँ का है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, फेज 1 में थोड़ा स्पेस कम है, और फेज 2 में जो है काफ़ी बड़ा बड़ा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो आप अपने हिसाब से जो है इंटीरियर करा सकते हो। हमने विज़िट किया तो ठीक लगा, काफ़ी अच्छा लगा ये फेज 2। तो अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आपको 2 BHK का या फिर 3 BHK का प्राइस जानना है। और ये जो है बाहर का स्विमिंग पूल है, ये बनना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आपको मॉडल फ्लैट में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ डिज़ाइन किया गया है। ये गोदरेज फेज 2 का है ये पूरा वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इसी तरह वीडियो को देखते जाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं फिर से मिलूँगी एक अच्छे नए प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।